इंट्राडे कैश मार्केट में ट्रेडिंग करना, यहाँ पर बाहर से ये काफ़ी आसान नज़र आता है कि एक ब्रोकर के पास जाओ, अकाउंट ओपन कराओ, वहाँ पर थोड़ा सा कैपिटल डालो, ब्रोकर एक लिमिट प्रोवाइड करता है इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, तो कम कैपिटल पे ज़्यादा कैपिटल पे काम करने का हमें मौका मिलता है। सस्ते में खरीद लो, महंगे में बेच दो, हमारे को प्रॉफिट हो जाएगा, दिन में कितने बार भी ऐसा काम कर लो। लेकिन जब ट्रेडर यहाँ आता है, यहाँ जुड़ता है और काम करना शुरू होता है, तब उसे वास्तविकता पता चलती है कि ये इतना आसान नहीं है जितना बाहर से दिखता है। क्योंकि अगर हम कोई भी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, हमारे पास कोई प्रॉपर अगर उस बिजनेस से रिलेटेड प्लानिंग नहीं है, तो यहाँ पर सफलता मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो आज की वीडियो में मैं एक सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर हमारे पास एक लिमिटेड कैपिटल है, तो हम क्या कर सकते हैं जिससे बिना किसी साइकोलॉजिकल प्रेशर के और बिना ऊट पटांग हाथ पांव मारे हुए यहाँ पर हम सही तरीके से काम करें और हमारी कैपिटल को बढ़ाएं। तो यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, तो आपको समझने में और आसानी रहेगी। मान लो मेरे पास एक 10,000 रुपये का कैपिटल है, मैं 10,000 रुपये का कैपिटल लेके आया, मैं इंट्राडे ट्रेड करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर मैं 10,000 रुपये का कैपिटल लेके तो आ गया, यहाँ मुझे हर ब्रोकिंग फर्म एक लिमिट प्रोवाइड करती है, 5 टाइम लिमिट, 10 टाइम लिमिट, कि भाई आप 5 टाइम या 10 टाइम लिमिट यूज़ कर लो अपनी कैपिटल का, जितना भी कैपिटल आपके पास है इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भाई उस लिमिट का मैं यूज़ करूँ या नहीं करूँ। तो इनिशियल लेवल पे जब भी हम यहाँ पर आते हैं, हमें लिमिट का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले हम उस तरीके को तो सर्च करें जिस तरीके से हमें हमारी कैपिटल बढ़ते हुए दिखे। यहाँ पर मेरे पास 10,000 रुपये है, मैंने डिसाइड करा मैं 10,000 रुपये में ही काम को शुरू करूँगा, और जब मुझे महीने, 2 महीने, 3 महीने यहाँ पर मुझे मेरी कैपिटल बढ़ते हुए दिखेगी, उसके बाद फिर मैं चाहे लिमिट यूज़ करूँ, 5 टाइम यूज़ करूँ या 10 टाइम यूज़ करूँ। मैं अगर 10,000 रुपये में कमा सकता हूँ, तो मैं 50,000 में भी कमा सकता हूँ, मैं 1,00,000 रुपये में भी कमा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कोई ट्रेडिंग पैटर्न को नहीं बदल रहा हूँ, सिर्फ अमाउंट को बढ़ा रहा हूँ। तो इनिशियल लेवल पे हमें लिमिट का यूज़ करने से बचना चाहिए, हमें पहले उस तरीके को सर्च करना चाहिए जिससे हमें हमारी कैपिटल बढ़ते हुए दिखे। अब ठीक है, हम 10,000 लेके आए, हमने डिसाइड करा कि भाई एक 10,000 रुपीज़ में ही हम यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड करेंगे। अब अगला पॉइंट निकल के हमारे सामने ये आता है कि भाई इंट्राडे में हमारे सामने ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे शेयर्स अवेलेबल हैं, किस शेयर में काम करूं, किस शेयर में नहीं करूं। तो इनिशियल लेवल पे हमें किसी भी कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ना चाहिए। इनिशियल लेवल पे हम सिर्फ एक स्क्रिप्ट को फाइनल करें कि भाई ये एक ही शेयर है जिसमें मैं इंट्राडे ट्रेड करूँगा, मैं यहाँ पर स्विचिंग नहीं करूँगा कि आज इस शेयर में, 1 घंटे बाद दूसरे में, 1.5 घंटे बाद तीसरे शेयर में। एक ही शेयर को मैंने फाइनलाइज करा, यानी मुझे मेरी ट्रेडिंग को इजियर बनाना है, ना कि कॉम्प्लिकेटेड बनाना है। मैंने मेरी स्क्रिप्ट को फाइनल करा, अब मेरा प्रोडक्ट हो गया है फाइनल। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो होता है प्रिडिक्शन का, कि भाई यहाँ पर जैसा हम जानते हैं इंट्राडे में हम खरीद के बेच भी सकते हैं और बेच के खरीद भी सकते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहते हैं कि भाई हम बाइंग करके काम करें या शॉर्ट सेल करके काम करें। तो यहाँ पर उसे किस तरीके से हम डिसाइड करें कि भाई वो स्क्रिप्ट अभी बढ़ सकती है या वो स्क्रिप्ट अभी गिर सकती है। तो यहाँ कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन के तरीके होते हैं, अगर हम इस मार्केट में जुड़े हुए हैं, हमारे कान में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आता ही रहता है। अगर हम टीवी चालू कर लेंगे, वहाँ हमें 50 शेयर के दिन भर में नाम मिल जाएंगे सुनने को कि ये बढ़ सकता है, वो गिर सकता है। किसी टिपर का हमारे पास मैसेज आ गया कि भाई ये बढ़ सकता है, वो गिर सकता है। हमारा कोई फ्रेंड काम कर रहा है इस मार्केट में, उसने कुछ कह दिया कि आज ये बढ़ सकता है, वो गिर सकता है। यहाँ एक टेक्निकल एनालिसिस भी होते हैं और उसमें भी काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं।
तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो टूल्स हैं, कोई टूल्स कुछ सजेस्ट कर रहा है, कोई टूल कुछ सजेस्ट कर रहा है, मतलब एक चारों तरफ कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर प्रिडिक्शन के लिए हमें स्टार्टिंग के दिनों में सिर्फ एक ही पैरामीटर को फाइनल करना चाहिए, जो भी पैरामीटर हमें पसंद हो उस सिर्फ एक सिंगल पैरामीटर को लेके चलें कि भाई इस पैरामीटर के हिसाब से ही मैं डिसाइड करूंगा कि ये शेयर अभी बढ़ सकता है या गिर सकता है, मैं खरीद के काम करूं या इसे शॉर्ट सेल करके काम करूं। अब यहाँ पर जब भी उस पैरामीटर, जो भी मेरा एक प्रिडिक्शन के तरीके है, उसमें एक इंडिकेशन आया कि खरीद के करें या बेच के करें, तब मैंने ट्रेड जनरेट करा। मेरा अमाउंट फिक्स है कि भाई 10,000 रुपये का ट्रेड मेरा रहेगा। अब अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो का। यहाँ पर जो सबसे सही तरीका होता है वो होता है प्री डिसाइडेड रिस्क और प्री डिसाइडेड रिवॉर्ड पे काम करने का। यहाँ पर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी डिसाइड करके रखते हैं, जो मुझे पसंद है रिस्क रिवॉर्ड रेशो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, वो 1:1.5 होता है कि भाई मैं 1% का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और 1.5% का टारगेट लगाऊंगा। प्री डिसाइडेड रिस्क और प्री डिसाइडेड रिवॉर्ड पर मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी फाइनल हो गया। अब ट्रेड करने के बाद चाहे स्टॉप लॉस जाए या टारगेट आए, यहाँ पर अगर मान लो पहले ट्रेड में ही मेरा स्टॉप लॉस चला गया, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे कैपिटल लॉस लग गया, उस लॉस को कवर करने के लिए हमने ऊटपटांग काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर जब तक हम कूल माइंड से वर्क नहीं करते, एक प्रॉपर प्लानिंग से वर्क नहीं करते, तो यहाँ पर अर्निंग काफ़ी कठिन हो जाती है। तो यहाँ पर ठीक है, मैंने यहाँ काम करना शुरू कर दिया, 1% का स्टॉप लॉस, 1.5% के टारगेट के साथ मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और यहाँ काम मैं भले ही इंट्राडे कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं चेक करूँगा वो मंथ टू मंथ चेक करूँगा कि इस महीने में मैंने टोटल नंबर ऑफ ट्रेड कितने करे, मैंने कितने अटेम्प्ट करे, उसमें से कितने अटेम्प्ट मेरे राइट रहे, कितने अटेम्प्ट रॉन्ग रहे, कितने परसेंट की अर्निंग हुई, कितने परसेंट का लॉस लगा, ओवरऑल मुझे मेरी कैपिटल पे कितना प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा एक लिमिटेड अमाउंट पे ही कि इस पूरे महीने में जो हमने काम करा वो हमारी कैपिटल पे हम कितना कमा के निकले हैं। और यहाँ पर अगर हम 3 महीने, 1 क्वार्टर कंटिन्यू यहाँ पर अर्न करते हैं, तो उसके बाद फिर हम चाहें तो कितना भी मार्जिन इस मार्केट में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे हाथ में एक वो तरीका है जिससे हमें हमारी कैपिटल बढ़ते हुए दिख रही है। जबकि समस्या ये होती है, इस मार्केट में ट्रेडर आ जाता है, कम कैपिटल होती है, कम कैपिटल में ज़्यादा कैपिटल कमाने की कोशिश करता है, तो जो कम कैपिटल होती है वो भी नहीं बचती हाथ में। यहाँ हमने काम शुरू करा, हमें लॉस लग गया, तो उस लॉस को कवर करने के लिए फिर हमने ऊटपटांग तरीकों से काम करना शुरू कर दिया, इधर उधर हाथ पांव मारना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ना ही अब हमारे पास कोई प्लानिंग है, ना ही कोई सही तरीका है। जबकि अगर हम एक लिमिटेड अमाउंट में सही तरीके तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर हम कितना भी कैपिटल लेके आए तो परेशानी नहीं होती। बिना फाइंड आउट करे सही तरीके को यहाँ पर कमाने की कोशिश करना अपने आप में खतरनाक काम हो सकता है। सबसे पहले सही तरीके तक पहुँचे, उसके बाद फिर रास्ता अपने आप आपके लिए खुल जाएगा यहाँ से काफ़ी अच्छा कैपिटल अर्न करने का। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।